ये है हीरो की ग्लैमर FI। इस बाइक के फ्यूल इंजेक्शन में प्रॉब्लम आ गई है, ये बाइक झटके ले रही थी और स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता हूँ कि फ्यूल इंजेक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और कितने पैसे लगते हैं अगर आपका पंप खराब हो गया या इंजेक्टर खराब हो गया। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें, ये प्रोग्रामेड FI इस पे लिखा हुआ है और इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बताऊँगा वो सभी फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइकों में लागू होगा। तो यहाँ पर आप देख लें, ये इंजेक्टर है, अगर ये खराब हो गया तो लगभग आपके 5000 रुपये लगेंगे। और ये फ्यूल पंप है जो पेट्रोल टैंक के अंदर लगा रहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि पेट्रोल टैंक में कहाँ पर लगा रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें लगा रहेगा, ये ग्लैमर है और इसमें यहाँ पर ये लगा रहता है। अगर ये ख़राब हो गया तो आपके 13000 रुपये इसके लगेंगे, लगभग 13000 ये और 5000 ये, लगभग आपके 18000 रुपये खर्च होंगे। तो इनको आप कैसे बचा सकते हैं, जब आप पेट्रोल टैंक की सफाई करवाएंगे, इसको अच्छी तरीके से साफ़ करवा लिया करेंगे, तब इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आप देख लें, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंजेक्टर है और इसमें आप देख सकते हैं किस हिसाब से इसमें गंदगी भरी पड़ी है, ये आप देख सकते हैं इधर से चारों तरफ से। और जब हमने इस फ्यूल पंप को खोला, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये कवर इसके अंदर रहता है। जब हमने इसको खोला तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये कीड़े मकोड़े भी निकले हुए हैं जो पेट्रोल के अंदर से जाते हैं इसके अंदर, तो यही सारी चीज़ें जाके इस फिल्टर पर बैठती है। मैं आपको दिखा दूँ, इसी फिल्टर पर जाके बैठती है जिससे इसके अंदर पेट्रोल सप्लाई होना बंद हो जाती है और धीरे धीरे आपका ये इंजेक्टर भी ख़राब हो जाता है और आपके पैसे खर्च हो जाते हैं कुछ ज़्यादा ही। तो फ्यूल इंजेक्शन बाइकों में यही प्रॉब्लम आती है, इसलिए इसकी पेट्रोल टैंक की टाइम से सफाई अगर आप करवा के रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं यहाँ पर भी आपको दिखा दूँ लाइट ऑन करके कि किस हिसाब से इसके अंदर कचरा जमा हुआ है। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इसके अंदर कचरा जमा हुआ है। इधर आप देखेंगे तो देख लें कितनी ख़राब स्थिति इसकी हो गई है। और यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है कि लगभग कितना खर्चा आता है फ्यूल इंजेक्शन बाइक में, तो इसलिए अगर आप पेट्रोल टैंक की सफाई रखेंगे तो आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि पेट्रोल इसके अंदर कितना काला निकला है। तो इस तरीके से इस बाइक के अंदर बहुत ज़्यादा कचरा भरा हुआ है। अब आप देख लें, यही वो बाइक है जिसके फ्यूल इंजेक्शन में प्रॉब्लम आई थी। यहाँ पर आप देख लें, ये प्रोग्रामेड FI लिखा हुआ है और ये आप देख लें कितना चली हुई है, ये 46,031 किलोमीटर चली हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर आप अपने पेट्रोल टैंक को साफ़ करवा के रखेंगे तो आपकी बाइक सही चलेगी, तो मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक का आप रोज़ पेट्रोल टैंक ही साफ़ करवाते रहेंगे, इससे आपकी बाइक में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब आपकी बाइक के फ्यूल इंजेक्शन में कोई प्रॉब्लम आए, बाइक मिसिंग करे, तभी आप उसके पेट्रोल टैंक को साफ़ करवाएं या इंजेक्टर को साफ़ करवाएं, बार बार आप उसमें कुछ भी ना करवाएं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।